नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को पंचायती राज LDC भर्ती पूरी करने के लिए ज्ञापन दिया गया चूरू में। क्या कुछ रहा खास, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ज्ञापन इस प्रकार से था। श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ये दोस्तों 26/8/2019 का लेटर है। पंचायती राज विभाग द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर नियुक्ति के क्रम में। महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत करुण निवेदन है कि पिछले कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार कनिष्ठ लिपिक पदों के लिए कुल 19,515 पद विज्ञापित किए थे, जिसमें से लगभग 9,500 पदों पर नियुक्ति तत्समय ही प्रदान कर दी थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान बोनस अंकों को बिंदु पर विधिक विवाद होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश दिए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबित रखी गई। उक्त न्यायिक प्रकरण का दिनांक 29/11/2016 को राज्य सरकार व नरेगा कार्मिकों के पक्ष में निस्तारण हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय के पश्चात बहुत बार सरकार के समक्ष हम अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए शेष पदों पर नियुक्ति हेतु आग्रह किया, परंतु आज दिनांक तक शेष रहे 10,029 पदों पर नियुक्ति नहीं दी। माननीय विशेष ध्यान देने योग्य निवेदन है कि उक्त भर्ती पंचायती राज नियम 1996 के नियम 266(1) तथा नियम 258 से 277 के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से विज्ञापित की गई थी। उक्त भर्ती के दौरान वर्ष 2013 में प्रथम कट ऑफ के समय जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है, उसके बाद शेष पदों का परिणाम को रिशफल कर संशोधित कट ऑफ जारी करने हेतु संपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जानी थी। जैसे ही पंचायती राज की उपरोक्त नियमों के तहत अन्य भर्तियां में भी किया जाना है जाता है, परंतु एकमात्र कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में उपरोक्त विभागीय नियमों की पालना नहीं की गई, जिसके कारण वर्तमान में सभी जिला परिषदों में संवैधानिक नियमों के तहत प्रदत्त रोस्टर प्रणाली को पूरा नहीं किया गया। आदरणीय इस क्रम में विशेष निवेदन है कि उक्त शेष संपूर्ण पदों पर नियुक्ति देने की मांग के तहत कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ में अपील दायर की थी। उक्त अपील में सरकार की तरफ से तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, सचिव वित्त विभाग एवं सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त सहमति पत्र माननीय उच्च न्यायालय को देते हुए न्यायालय में वचन दिया था कि भर्ती के शेष पदों पर 15 जुलाई 2017 तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। माननीय न्यायालय ने उक्त शपथ पत्र को अपने निर्णय में समाहित करते हुए भर्ती के समस्त पदों पर नियुक्ति देने का आदेश पारित किया था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी विभाग द्वारा समस्त पदों पर नियुक्तियां प्रदान नहीं की। माननीय, इस भर्ती में को लेकर आपकी सरकार के गठन के बाद हम बड़ी संख्या में नरेगा कार्मिक एवं बेरोजगार साथियों ने आपके सम्मुख हमारी वेदनाएं रखी। इस पर आपके आशीर्वाद से पंचायती राज विभाग ने 5 मार्च 2019 को शेष रहे 10,029 पर नियुक्ति देने हेतु आदेश में समयबद्ध कार्यवाही हेतु कैलेंडर जारी किया गया था। उक्त आदेशों के पश्चात लोकसभा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। तत्पश्चात चुनाव होने के उपरांत हम अभ्यर्थियों ने भर्ती हेतु विभाग में नवीन कैलेंडर जारी करने का निवेदन किया तो विभाग ने शेष पदों पर नियुक्ति के लिए पत्रावली पुनः वित्त विभाग को भिजवाए जाने की बात कही। माननीय, बड़ा शोचनीय प्रश्न है कि जिन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति आप श्री के उच्चतम स्तर के निर्णय से पारित होकर वित्त विभाग ने स्वीकृति जारी की थी, उक्त पत्रावली पुनः वित्त विभाग को भिजवाया जाना कहाँ उचित है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कि जब वित्तीय स्वीकृति मिल ही गई थी मार्च में, तो बाद में पुनः अब इस भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता कहाँ रह गई। अतः आपसे करुण विनती है कि पंचायती राज विभाग द्वारा विज्ञापित वर्ष 2013 की कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के शेष रहे 10,029 पदों पर शीघ्र नियुक्ति के आदेश जारी करवाकर हम आशातीत अभ्यर्थियों के साथ न्याय करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। अशोक वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष। या दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को आज चूरू में LDC भर्ती 2013 पंचायती राज
के 6,10,029 पदों को पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें कहा साफ साफ कहा गया लिखा गया है कि जब वित्तीय स्वीकृति एक बार जारी कर दी थी तो फिर दोबारा वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ गई। दोस्तों इन्हीं सब बातों के अलावा करुण विनती की गई है इस लेटर के माध्यम से कि जो शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। दोस्तों इस वीडियो को जय जल लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।